नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सौरभ सिंह की खास रिपोर्ट, आइए आपको दिखाते हैं। छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने की पिटाई। छेड़खानी का विरोध करने पर गांव के दबंग ने युवती और युवती के परिजनों को गांव में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आधा दर्जन महिलाएं घायल, अभी तक मामला नहीं हुआ है दर्ज। अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती पंकज कुमार ने कहा कि कार्रवाई करके के लिए थाना अध्यक्ष नगर को निर्देशित किया गया है। आइए आपको बताते हैं पीड़ितों का इस विषय पर क्या कहना है, किस प्रकार घटना को अंजाम दबंगों द्वारा दिया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर के बगल जिला बस्ती में महिलाओं पर हो रहे अपराध कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आए दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी पुलिस को सख्त निर्देश देते हैं कि महिलाओं पर हो रहे अपराध में तत्काल कार्रवाई की जाए, लेकिन राजनीतिक दलों के दबाव के चलते बस्ती पुलिस आरोपियों को कहीं न कहीं बचाने में लगी रहती है। आए दिन महिलाओं पर अपराध होने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पीड़ितों को ही थाने में से खदेड़ दिया जा रहा है। आए दिन शिकायतें मिलती हैं कि प्रार्थना पत्र थाने पर नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं योगी सरकार का आदेश बस्ती पुलिस पर असर नहीं दिखा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ितों की जुबानी, क्या कहना है पीड़ितों का इस विषय पर। जैसे हमारे ननद को छह रहे थे मजलिस सास के बेटी को, तो सब लोग बात विवाद कर रहे थे, तो उसके लिए हम लोग नहीं कुछ बोले, नगर थाना में दरखास्त डाले, 100 नंबर पे 2 बार फोन किए, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही कोई एक बार ही देखने आया, ना ही पुलिस आई। हम लोग कल कह रहे हैं कि 8 बजे सुबह आना, क्या 8 बजे सुबह गए, हम लोगों को डॉक्टरी नहीं कराने लिया जाना चाहिए थे। हमारे सियान सियाना ननद हमारे देवर सब लोगों को मार कर सुता दिए, नगर थाना वाले कोई नहीं हमारा सुन रहा है, पैसा घूस खाए हैं, हमारे ननद के ऊपर मट्टी का तेल जला कूड़ा कर जलाने जा रहे थे। हम अपने नंद को छुड़ाने गए तो हमको भी मारे, हमारे देवर को मारे, हमारे सबको, हमारे साथ छेड़खानी हुई है सनी देवल, उसके बाद झगड़ा हुआ, हमको सब लोग मारे आकर हमारे घर पर के दो द्वार है दोनों ओर से मारे सब लोग।